हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास आई हुई है हेक्टर, और हेक्टर के अंदर आज हम काम कर रहे हैं फिर से एक बार वही वाला जो इसके पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, जो कि हमने पुलिस लाइट इसके अंदर लगा चुके हैं। तो पुलिस लाइट इसके अंदर जो है ये 8 पीसेस वाली जो है ये अभी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए जो ऊपर का जो पूरा तामझाम और इसके कवरिंग होती है ताकि इंजन की नॉइज अंदर ना जाए, इसको हमने पूरा अभी रिमूव कर लिया है। और इसको रिमूव करने के बाद जो है इसकी प्लेसिंग करेंगे, और बहुत ईजी कनेक्शंस होते हैं, उन ईजी कनेक्शन से इसको पूरा कनेक्ट कर देंगे विदाउट वायर कटिंग, है ना। वो पूरा काम होने वाला है, कोई वायर कट नहीं होगी गाड़ी की, कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी, और फिर भी ये लाइट जो है इस गाड़ी के अंदर लग जाएगी। और बहुत ईजी फिटिंग्स हैं, और अभी कर देते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं इसका पूरा काम, और जब पूरा काम हो जाएगा, पूरी तरीके से लग जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक किस तरीके से आने वाला है। प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब काम पूरा कंप्लीट हो चुका है गाड़ी के अंदर। आइए इसको हम चला के दिखाते हैं किस तरीके से पूरी वर्क करती है। इसमें एक जो है इस तरीके का एक रिमोट आपको देखने को मिलेगा जो इस लाइट के साथ आता है, और इसी से आप पूरी लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हों या बाहर बैठे हों, आप दोनों जगह से ही इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जो है इसको ऑन कर दिया। ऑन और ऑफ का स्विच जो होता है इसी में रिमोट में रहता है, और ये किस तरीके से लुक करेगी और किस तरीके से वर्क करेगी, आइए हम पूरा डेमो देते हैं आपको कि आप किस तरीके से जो है वर्क करने वाली। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी आपको दिख रहे होंगे ब्लू एंड रेड फ्लैश कर रही है ये, और इसी के अगर आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ पे नीचे बटन रहता है एक और, जिससे आप मोड चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अभी मोड चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मोड्स अभी हम जो है चला के दिखा रहे हैं। एक और बहुत अच्छा मोड है इसके अंदर, ये है DRL मोड, जो कि पूरा वाइट कलर में रहता है। और इस पर भी जो है आप अलग अलग मोड जो है इस पर भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से ये जो है आपको अभी चमकती हुई दिख रही होगी, और ये आप इस पे भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको पुलिस लाइट नहीं चलानी है, रेड एंड ब्लू फ्रेशर्स नहीं करने, तो आप वाइट कर सकते हैं, कोई आपत्ति कोई कुछ नहीं करेगा आपका, और इजीली गाड़ी जो है आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और जब आपको रेड एंड ब्लू चलाना है तो आप रेड एंड ब्लू चला सकते हैं। अब आप पूरी ओवरऑल गाड़ी का लुक देखिए किस तरीके से आ रहा है, कैसा दिखता है ये। तो यहाँ पर हम आपको पूरी जो है गाड़ी एक ही फ्रेम के अंदर दिखा रहे हैं, और जो लाइट लगी हुई है प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्लेसमेंट जो है किस तरीके से करी गई है। तो ये था आज के बारे में पूरा MG हेक्टर के बारे में, जिसके अंदर आज हमने पुलिस लाइटिंग को इंस्टॉल किया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।